हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूला, बीजगणितीय सूत्र। हम देखते हैं जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होगा? बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये कैसे होता है ये हम जानेंगे। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें अगर हम लोग प्लस 2ab और माइनस 2ab करेंगे तो जो बचेगा तो हो जाता है माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा। तो इधर से जो बचेगा फिर इसको ऐड करेंगे तो इतना 4ab हो जाएगा। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इन दोनों को इनटू करेंगे तो इतना आ जाएगा इक्वल्स टू में ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। फिर a प्लस बी हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। हम लोग इसमें देखेंगे जिसमें माइनस रहेगा, जैसे a में इसका कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसमें माइनस है, मतलब जहाँ हमारा बी रहेगा एक वहाँ पर हमारा नेगेटिव ही आएगा। ए क्यूब माइनस, अब बी की जगह में हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो 3a² b प्लस, यहाँ प्लस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ बी का स्क्वायर है, मतलब माइनस बी लेते हैं तो बी का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में बदल जाएगा, तो 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab को निकाल देंगे, फिर ए प्लस बी हो जाएगा ब्रैकेट में। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सब को स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तीनों में प्लस है इसलिए हमारा तीनों 2ab जब हम लोग करेंगे तो तीनों में प्लस आएगा। इसमें जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे तो a माइनस बी प्लस सी, जिसमें भी b आएगा तो उसमें हम लोग नेगेटिव यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव होता है लेकिन उसका स्क्वायर है इसीलिए प्लस में चेंज हो गया प्लस 2ab। यहाँ नेगेटिव है इसीलिए नेगेटिव आया। फिर यहाँ माइनस 2bc, यहाँ भी b यूज हुआ है इसीलिए प्लस 2ac, मतलब a और c में प्लस है इसलिए उसके आगे प्लस। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जिसमें c यूज होगा उसमें नेगेटिव होगा, माइनस 2bc माइनस 2ca। अब यहाँ हम लोग देखेंगे a माइनस बी माइनस सी, अब दोनों में माइनस है तो हम लोग दोनों की जगह देखेंगे नेगेटिव होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। इस तरह से होगा। अब हम लोग उसके आगे देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी 3ab। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये हमारा अलजेब्रा का फॉर्मूला हो गया कंप्लीट।
इसको हम खुद से भी बना सकते हैं। किस तरह, कौन सा फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।